हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है हर्ष यादव और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल SY हर्ष ब्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग और करने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स स्टेडियम इटावा। सो चलिए चलते हैं। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पे मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको इटावा डिस्ट्रिक्ट से कहीं का भी ब्लॉग चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो पूरी कोशिश करूँगा वहाँ का ब्लॉग बनाने की। चलो चलते हैं। हाँ तो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ स्टेडियम। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये सामने नुमाइज ग्राउंड है। और जो मेरे लेफ्ट साइड, ये देखो सामने धोबी घाट है। ये देखो लोग बाग जो है, धोबी लोग हैं जो कि कपड़े धो रहे हैं। तो चलो हम लोग एंट्री लेते हैं स्टेडियम के अंदर। चलो चलते हैं। हाँ तो गाइस, फाइनली मैंने एंट्री ले ली है। और एंट्री लेते ही मैंने देखा है कि हमारे लेफ्ट साइड में पार्किंग है और राइट साइड में बैडमिंटन हॉल है, जो कि मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। पहले आपको क्रिकेट ग्राउंड दिखाऊंगा, उसके बाद में जो है बैडमिंटन हॉल में चलूंगा। तो चलते हैं पहले हम लोग क्रिकेट ग्राउंड की तरफ। सो गाइस, मैं आ गया हूँ ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड के सामने, जहाँ पर दर्शकों के बैठने की सीट्स बनी हुई हैं। वहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो मेरे सामने, ये है क्रिकेट ग्राउंड। और यहाँ पर लोग जो हैं रनिंग वगैरह कर रहे हैं। ये देखिए, अभी आपको मैं नीचे चलकर भी दिखाऊंगा, पहले एक बार आप जो है ऊपर से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं। तो चलो नीचे चलते हैं अब हम लोग और नीचे से देखते हैं ये दोस्तों, मेरे को यहाँ दो छोटे छोटे नन्हे दोस्त मिले हैं। भाई आपका नाम क्या है? क्या भाई आपका? भाई यार रोज आते हो? रोज आते हो? हाँ। तो कोई गेम प्ले करते हो, मतलब ऐसे ऐसे टहलने वगैरह के लिए? गेम फुटबॉल खेलते हो आप? आप क्या खेलते हो? फुटबॉल ही खेलते हो? चलो अच्छी बात है। अभी तक कोई गेम खेला है बाहर, टूर्नामेंट? नहीं खेला, सिर्फ इटावा में खेले हो? इटावा में भी नहीं खेले कि वहाँ भी? यहाँ खेले हो? इटावा में तो खेले। कितने खेले हो? हम लोग तो बहुत सारे लोग हैं। अच्छा चलो अच्छी बात है। अभी मैं तो विश करता हूँ कि आप लोग आगे निकल जाओ यार। चलो भाई थैंक यू बताने के लिए। हाँ तो गाइस, मैं आ गया हूँ नीचे क्रिकेट ग्राउंड में। और जैसा कि आप देख सकते हो, वही हो रहा है जो भी थोड़ी देर पहले हो रहा था। भाई बंदे हैं जो रनिंग कर रहे हैं, सामने से आप देख ही सकते हो। काफ़ी अच्छा क्रिकेट ग्राउंड है ये, और आप देख ही सकते हो। और जो सामने ब्लू जाल है, वहाँ अंदर वॉलीबॉल खेला जाता है और यहाँ सामने फुटबॉल खेला जाता है। और भाई साहब, सन से आप देख सकते हो कितना मस्त व्यू आ रहा है सन से। भाई इस सन के लिए एक लाइक तो कर देना यार, प्लीज़ यार। तो चलो हम लोग चलते हैं सामने। और जैसा कि अभी आपको ऊपर जाके दिखाया था, ये वही सीट्स हैं दर्शकों के बैठने के लिए। तो चलो चलते हैं हम लोग अब सामने। हाँ तो गाइस, मैं आ गया हूँ सामने। और मेरे सामने एक हॉकी है, गोल पोस्ट रखा हुआ है। इस पर लोगों ने कपड़े तो इस तरीके से टांग रखे हैं जैसे यहाँ पिक रहे हों, 150 में 2, 150 में 2। और ये सारे बंदे जो हैं, ये सब आर्मी की तैयारी करने वाले बंदे हैं। ये देखो रनिंग करता हुआ जा रहा है। भाई सही है यार, करो कहीं ना कहीं तो लग ही जाओगे। तो चलो हम लोग चलते हैं बैडमिंटन हॉल के अंदर। हाँ तो गाइस, मैं आ गया हूँ बैडमिंटन हॉल के अंदर। और आप देख सकते हो कि सामने ये लोग जो है बैडमिंटन खेल रहे हैं। और सामने जो दो पोस्टर दिख रहे हैं, उनमें वो कौन दो लोग हैं उनका नाम जो है मेरे को कमेंट में लिख के बताना। और ये है बैडमिंटन हॉल में बैठने के लिए सीट्स लोगों के बैठने के लिए। और काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर बैडमिंटन हॉल है। ऊपर आप देख सकते हो कितनी मस्त लाइट लगी हुई है। चलिए हम चलते हैं यहाँ से बाहर। और यहाँ सर्दी तो भाई लग नहीं सकती क्योंकि इतनी गर्माहट है इसके अंदर, कुछ कह नहीं सकते। चलिए हम चलते हैं हॉकी ग्राउंड की तरफ। सो गाइस, मैं आ गया हूँ हॉकी ग्राउंड की तरफ। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, वरना मैं अंदर जाके दिखाता आपको। आप सामने देख सकते हो ब्लू कलर का टर्फ बिछा हुआ है, वो सामने गोल पोस्ट रखा हुआ है। और ये पाइप लगे हुए हैं पानी डालने के लिए। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ।
वो सामने दर्शकों के बैठने के लिए सीट बनी हुई है, और तो काफी अच्छा टर्फ है, बहुत ही अच्छा ग्राउंड है। सामने वहाँ पाइप लगे हुए हैं, यहाँ टर्फ बिछा हुआ है और यहाँ तार लगा हुआ है, वरना मैं आपको जरूर अंदर जाके दिखाता। सो गाइस चलता हूँ। हेलो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इटावा डिस्ट्रिक्ट से आपको कहीं का भी ब्लॉग चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा वहाँ का ब्लॉग बनाने की। सो गाइस चलता हूँ, बाय।